हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टडी केयर में। चलिए जल्दी से जल्दी आज के धमाकेदार करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के लिए DGCI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है? ऑप्शंस हैं मॉडर्न, जॉनसन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टाटा लेबोरेटरी लिमिटेड। द करेक्ट आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, इंग्लैंड चेस्टर चिड़ियाघर में हाल ही में विश्व के सबसे छोटे कितने बंदरों का जन्म हुआ है? ऑप्शंस है 2 बंदरों, 3 बंदरों, 4 बंदरों का या 5 बंदरों का। तो सही उत्तर है 2 बंदरों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के फॉर्मूला रेस ड्राइवर जेहान दारूवाला साखिर ग्राम प्री में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले कौन से भारतीय ड्राइवर बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? द करेक्ट आंसर इज पहले। अगला प्रश्न, केन्या के रेसर कीवी बोट कैंडी ने हाफ मैराथन को कितने समय में पूरा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 52 मिनट 32 सेकंड या ऑप्शन बी 55 मिनट 32 सेकंड या ऑप्शन सी 57 मिनट 32 सेकंड या 59 मिनट 32 सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज 57 मिनट 32 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तरी एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस, पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस, पश्चिमी एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस? द करेक्ट आंसर इज दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या पंजाब? द करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है गुजरात, केरल, राजस्थान या महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? ऑप्शंस है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या अमेरिका। द करेक्ट आंसर इज चीन। अगला प्रश्न, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और किस देश में T20 सीरीज जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए हैं? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश। तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल ने भारत की इंग्रेडिएंट कंपनी कैलिब्रे में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है? ऑप्शन है सिंगापुर, इंग्लैंड, जापान या चीन। द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। होप आप लोगों को आज का करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत चला जाए। हाँ, अगर आप लोगों को इससे पहले का यानी कि 5 दिसंबर या 6 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसमें लिंक है, वहाँ पर आप लोगों को मेरे सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।